चलो मारते चलो, रुको नहीं। ग्राम पंचायत री के तहत आज हमको आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो नौजवान साथी है वो पूरे गांव को सैनिटाइजर करने के लिए घर घर जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आज के समय में हमारा नौजवान बल जो नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, परंतु समाज सेवा का एक अद्भुत दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि नौजवान साथी बहुत ही मुस्तैदी के साथ जो है सैनिटाइज कर रहे हैं। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाना चाहता हूं ग्राम पंचायत से। हमारे साथ हमारे कुछ साथी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं सतीश कुमार जी, जो भूतपूर्व हमारे एक्स युवा कांग्रेस ब्लॉक के प्रधान भी रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सतीश जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आपको पता होगा कि हमारी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी, अधिसूचना जारी की थी कि पूरी पंचायतों को सैनिटाइज किया जाएगा और मास्क दिए जाएंगे, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से गवर्नमेंट ने जो है उस अधिसूचना को रद्द कर दिया। तो आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं कि किस किस पंचायत के अंदर किस किस गांव को आप सैनिटाइज कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूं कि अपने इलाके अपने गांव में घर में रहें और सुरक्षित रहें। हम युवा वर्ग को आज साथ में लेके, जैसे हमारी ग्राम पंचायत री है तो हम यहां पे थोड़ा दवाई का स्प्रे कर रहे हैं ताकि जो कोरोना नाम की एक भयंकर बीमारी ने जो एक हमारे प्रदेश और हमारे पूरे भारतवर्ष में एक महामारी का रूप धारण कर लिया है, इसलिए हम लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं कि आप थोड़ा संयम बनाए रखें और अपने अपने घर में अपने ही घर में रहें। हमारे साथ और भी युवा है जो स्प्रे कर रहे हैं, हम इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जी? मेरा नाम अमृत शर्मा जी। हम जी, हम लगे हैं जी गांव में सैनिटाइज की कोशिश करने लगे हुए हैं जी। जितना हो जाए ज्यादा से ज्यादा हमें अपील है गाँव वासियों से भी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। ठीक।